रविवार को झाकड़ी में सतलुज जल विद्युत निगम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नाथपा, कोटला, झाकड़ी, बायल और आसपास के मजदूरों ने हिस्सा लिया। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि एसजेवीएन को एनटीपीसी में मिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना नाथपा झाकड़ी में सतलुज जल विद्युत निगम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और असंगठित क्षेत्र तक पहुंचकर उन्हें अपने साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने पर रणनीति बनाई गई। सम्मेलन में कार्यरत नाथपा, कोटला, झाकड़ी, बायल और आसपास के क्षेत्र से आए मजदूरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सीटू जिला अध्यक्ष बिहारी सेवगी ने बताया कि मजदूर किसान हक से जुड़े 12 सूत्रीय मांग पत्र को सरकार को सौंपा गया है और आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टी इन मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र से जोड़ेगी उसका साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटू का प्रयास है कि असंगठित क्षेत्र तक पहुंचकर उन्हें अपने साथ जोड़ें और जागरूक करें कि जिस तरह से मोदी सरकार की आर्थिक नीति इस देश में है वो मजदूर विरोधी है, आम जनता विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय यदि हमारा 12 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने दिया है, असमान काम, समान वेतन, 18,000 न्यूनतम वेतन, सबको पेंशन, सबको ग्रेच्युटी, अगर मोदी जी इस तरह इसको लागू नहीं करते तो निश्चित रूप से हम इस देश में एक ऐसी सरकार बनाने का मदद करेंगे जो देश में मजदूर, किसान और आम जनता की बात सुने और उसके पक्ष का एजेंडा लागू करे। वहीं मजदूर नेता नरेंद्र देष्टा ने बताया कि एसजेवीएनएल का एनटीपीसी में विलय के विरोध में संगठन जोरदार विरोध करती आ रही है और आगे भी इसका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को भी प्रभावी तरीके से सामने रखा जाएगा। कामयाबी जो हासिल की है इस यूनियन बनने के बाद और पिछले एक साल में भी और आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है, एक तो ये अपनी यूनियन का जो है विस्तार करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि समान काम का समान वेतन जो है लागू करना है, ठेका प्रथा जो है बंद होनी चाहिए और दूसरे जो ये जो आउटसोर्सिंग पे जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ भी हम जो है आंदोलन करेंगे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।